स्टूडेंट, दिस इज द वीडियो फॉर प्लस टू क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी. वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो पोलिनेशन बाय विंड एंड पोलिनेशन बाय वाटर. नाउ द एग्जांपल वेलिसनेरिया विच पोलिनेट बाय वाटर वी आर डिस्कसिंग. इन वेलिसनेरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेप ग्रास एंड ईल ग्रास. इन वेलिसनेरिया पोलिनेशन अकर्स थ्रू वाटर. Vallisneria is a fresh water plant which is submerged in plant water, and it is a dioecious plant. Dioecious mean that male plant and female plants are separate. So male plant jo hai it produces large number of male flowers. Bahut sare flowers jo hai large number of comparatively female flowers. क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं उन जो लोस्ट होते हैं वो ज़्यादा लोस्ट होते हैं कंपेरेटिवली फीमेल. तो इस वजह से प्लांट को मेल फ्लावर ज़्यादा बनाने पड़ते हैं. इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स. एंड जब फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद प्लांट में से ये फ्लावर सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन क्लोज्ड स्टेट में होंगे. अभी जो जो प्लांट है ये फ्लावर है वो भी ओपन नहीं हुए हैं. जैसे ही ये वाटर की सरफेस पे पहुंचते हैं देन दे आर ओपन. आफ्टर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ मेल फ्लावर, दिस इज द मेल फ्लावर इन विच यू कैन सी टू स्टैमन्स. इट हैज़ टू फंक्शनल स्टैमन्स एंड इट हैज़ थ्री टेपल्स इन विच टेपल्स. व्हाट डू यू मीन बाय टेपल्स? टेपल्स दैट मीन्स the flower floral leaves which is not differentiated into plants or petals or sepals. जो ना ही सेपल है ना ही पैटल है जिसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, यानी कि जो सिर्फ एक जैसी ही फ्लोरल लीव्स होती हैं दे आर कॉल्ड टेपल्स. तो इसमें तीन तरह की टेपल्स होती हैं, जिसमें दो तो बोट लाइक होती हैं और एक सेल लाइक होती है. तो ये मेल फ्लावर का डायग्राम है. इन फीमेल प्लांट जो फीमेल फ्लावर्स हैं पहली बार दे प्रोड्यूस लेसर नंबर देन मेल प्लांट. और फीमेल फ्लावर में जो खास बात है इनके जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट तो समर्स वाटर में रहता है लेकिन जो फ्लावर है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं. ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज फ्लावर्स जो होते हैं उनके पेडिसल्स जो है वो बहुत लंबे होते हैं. बिकॉज दे हैव लॉन्ग पेडिसल्स. पेडिसल्स दैट मीन्स फ्लावर स्टॉक को ही पेडिसल्स बोलते हैं. तो इस तरह से ये फीमेल फ्लावर का डायग्राम है. इस फीमेल फ्लावर में एक फ्लावर में तीन स्टिग्मा वाला जो है पिस्टिल होती है. तो इट इज ट्राइफिट स्टिग्मा 1, 2, 3 दीज आर द स्टिग्मा. दिस इज द फीमेल फ्लावर. और इसी तरह से इसमें तीन टेपल्स हैं बोट लाइक टेपल्स हैं. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है. तो जैसे ही अब मेल फ्लावर जो हैं सरफेस पे हैं वाटर के ओपन कंडीशन में हैं, फीमेल फ्लावर जो है ये भी वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, तो इनमें पोलिनेशन कैसे होता है? जो मेल फ्लावर है ये मेल फ्लावर वाटर करंट में पैसिवली मूव करते हुए फीमेल फ्लावर के पास पहुंचता है. इस फीमेल फ्लावर के डिप्रेशन में पहुंचता है. जैसे ही जो ये मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर के डिप्रेशन में पहुंचेगा देन इट रिलीजेस पोलन ग्रेन्स एंड द स्टिग्मा जो है वो पोलिनेशन इसमें हो जाएगा. और पोलिनेशन होने के तुरंत बाद जो है फ्लावर जो है क्लोज हो जाता है. और फ्लावर क्लोज होने के बाद वाटर सरफेस से बाद में नीचे आ जाएगा. फीमेल फ्लावर ब्रॉट डाउन इनटू वाटर. ये ऐसा इसलिए होगा जो ये लॉन्ग पेडिसिल हैं ये कॉयल अप कर लेंगे. जैसे ये जो पेडिसिल हैं यहाँ पर जैसे लॉन्ग पेडिसिल्स थे तो बाद में ये कॉयलिंग करके शॉर्ट करके जो है डाउन अप हो जाएंगे, इसमें नीचे चले जाएंगे. तो ये जो है ये तरीका है पोलिनेशन का वेलिसनेरिया में. तो इसके साथ ही जो है वाटर से जो पोलिनेशन है ये आज फिनिश है. इसके बाद जो नेक्स्ट पोलिनेशन है इट इज बाय इंसेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द पोलिनेशन बाय इंसेक्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटोमोफिली.
द पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. विच इंसेक्ट्स आर इन्वॉल्व? दे मे बी मोथ्स, बीज. बीज आर कॉमन. विच आर कॉमन इन प्लांट्स? दे आर मोस्ट कॉमन पोलिनेटर्स. वास्प, बटरफ्लाइज, बीटल्स, एंट्स, फ्लाइज, एक्सेट्रा. दीज इंसेक्ट्स पोलिनेट द फ्लावर्स फॉर थ्री रीजन: फॉर फूड, फॉर शेल्टर और फॉर लेइंग एग्स. फॉर फूड, दे टेक पोलन और नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स. दे कैन टेक शेल्टर और इन सम प्लांट्स लाइक यूका अमोर्फोफेलस, तो इन विच अमोर्फोफेलस विच हैज लार्जेस्ट इनफ्लोरसेंस एंड हैविंग टोलेस्ट फ्लावर. जो अमोर्फोफेलस है इट हैज टोलेस्ट फ्लावर बिकॉज द इंसेक्ट ले एग्स इन टू दिस फ्लावर. सम बट इन सम केसेस इंसेक्ट्स जो है दे आर कॉल्ड पोलन और नेक्टर रोबर्स बिकॉज दे डू नॉट पोलिनेशन बट दे रोबर्स बिकॉज क्योंकि वो पोलन और नेक्टर के लिए तो फ्लावर पे जाते हैं लेकिन उनका पोलिनेशन नहीं करते. सो दे आर कॉल्ड पोलन नेक्टर रोबर्स. वट फीचर्स शुड बी हैव अ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर? फर्स्टली फ्लावर्स आर कलर्ड टू अट्रैक्ट. ये किसके लिए होगा फ्लावर्स कलर्ड? ताकि जितने से ज़्यादा जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट हो सके. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाटा आपको दे रही हूँ. जैसे द वाइट फ्लावर जिस प्लांट में होते हैं तो ज़्यादातर जो वाइट प्लांट होते हैं वो रात वाले प्लांट होते हैं और रात को खिलते हैं और इससे जो मोथ होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. रेड फ्लावर्स की तरफ बटरफ्लाइज और वास्प अट्रैक्ट होती हैं. अगर फ्लावर ब्लू या पर्पल कलर के हैं तो ये हनी बीज इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और वॉयलेट और येलो है तो नॉर्मल बीज जो है इससे अट्रैक्ट होती हैं. और दूसरा जो कैरेक्टर है द फ्लावर शुड हैव ऑर्डर. यानी कि इसमें कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जो फ्लावर्स में या कुछ उसमें या तो प्लीजेंट स्मेल होती है या फॉल स्मेल होती है. तो इसमें जो कुछ एग्जांपल मैं दे रही हूँ जैसे जिसमें रोज़ा है, रोज़ा इंडिका, जैसे रोज़ हो गया तो वो अच्छी स्मेल है तो उससे जो फ्लावर है वो प्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है जिससे इंसेक्ट उसकी खुशबू उसकी तरफ से आकर्षित हो रहे हैं. और नेक्स्ट जैसे फ्लाइज हैं और बीटल्स हैं, ये दो ऐसे हैं जो फॉल ऑर्डर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. और एक एग्जांपल है रिफ्लेशिया विच हैज लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. और इस रिफ्लेशिया में ये एक फॉल ऑर्डर प्रोड्यूस करता है और इस फॉल ऑर्डर को प्रोड्यूस करने के पीछे क्या है कि कैरियन फ्लाइज होती हैं विच पोलिनेट दिस फ्लावर. तो इस फॉल ऑर्डर से ये कैरियन फ्लाइज जो है अट्रैक्ट होती हैं. फ्लावर शुड हैव वेल डेवलप्ड पेटल्स और सेपल्स. इसमें अभी आपने दो तरह के पोलिनेशन पढ़े थे, वाटर से पोलिनेशन पढ़ा था और विंड से पोलिनेशन पढ़ा था. वहाँ मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि जो पोलिनेशन अबायोटिक एजेंट से होता है वहाँ पर सेपल्स और पेटल्स की ज़्यादा नीड नहीं होती, तो ज़्यादातर उसमें ये नहीं होते. लेकिन जो पोलिनेशन इंसेक्ट से होता है उसमें पेटल्स और सेपल्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं क्योंकि ये पेटल और सेपल जो है उनको एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है इंसेक्ट वहाँ पर आराम से बैठ सके और पोलन आराम से टाइम से ताकि उसकी बॉडी से पोलन जो है अट्रैक्ट हो सके. फ्लावर्स आर जनरली लार्ज. अब क्योंकि जो इंसेक्ट को यहाँ पर शेल्टर देनी है तो जो फ्लावर्स हैं ज़्यादातर लार्ज होते हैं. अगर कहीं किसी केसेस में फ्लावर्स स्मॉल हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वे एग्रीगेट होकर के अपने इनफ्लोरिसेंस में ग्रुप के फॉर्म में मिलेंगे. तो अगर वैसे तो फ्लावर लार्ज ही होंगे लेकिन अगर स्मॉल हैं तो वे ग्रुप के फॉर्म में होंगे. फ्लावर शुड हैव, या तो फ्लावर के पास नेक्टर होगा या फिर उसके पास एडिबल पोलन होंगे. और कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों ही चीज़ मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर में जैसे जैस्मिन है, बॉटल ब्रश है, बटर कप है. और कुछ प्लांट्स के पोलन
जो है वो एडिबल हैं, जैसे मैंगोलिया है, रोजा है, पेपावर है और इसके अलावा एक्सेट्रा। सम इंसेक्ट पोलिनेटिंग प्लांट्स हैव टॉलेस्ट फ्लावर और लार्ज फ्लावर्स टू प्रोवाइड शेल्टर टू डिपोजिट एग्स इन फॉर सम इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इन यूका अमोर्फोफेलस विच हैज टॉलेस्ट फ्लावर। पोलन ग्रेन जो होते हैं इनमें एक खास बात होती है, दे आर कवर्ड विद येलो स्टिकी सब्सटेंस विच इज कॉल्ड पोलन किल्ट। इसकी वजह से ये, क्योंकि ये स्टिकी है और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही पोलन फ्लावर में विजिट करने के लिए आता है तो ये जितने पोलन ग्रेन्स हैं ये उस पर जो चिपक जाते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है वो स्पाइनी हैवी और इसमें खास बात क्या है, स्टिग्मा एंड स्टैमन्स आर इंसर्टेड एंड स्टिकी। तो जैसे आपने जो हाइड्रोफिलस फ्लावर था और जो विंड से जो होने वाले फ्लावर थे उस फ्लावर में बात नोटिस की थी कि वो लाइट थे बट यहाँ पर हैवी हैं। उसमें जो स्टिग्मा और स्टैमन थे वो एक्सपोज थे फ्लावर में बट यहाँ पर इंसर्टेड हैं, और वहाँ पर नॉन स्टिकी थे बट यहाँ पर स्टिकी हैं फ्लावर्स। ये ऐसा है इसलिए है ताकि ये हैवी और ताकि अगर ये स्टिग्मा और स्टैमन जितने ज़्यादा अंदर तक रहेंगे जो ये इंसेक्ट है वो उतनी ही देर तक फ्लावर के अंदर विजिट करेगा और इनको टाइम मिल जाएगा पोलन ग्रेन को उनके साथ अटैचमेंट होने में। जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो पैटर्न्स होते हैं, फ्लावर्स हैव पैटर्न्स जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हैं। जो स्ट्रोंग होने का मतलब ही यही है क्योंकि पैटर्न्स है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इंसेक्ट के लिए, और इसीलिए जो पैटर्न्स हैं एक तो बड़े बड़े होंगे और अच्छे से बहुत मतलब हैवी वेट को भी जो है एक तरह से मतलब रख सकते हैं कि हैवी वेट को टॉलरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपके सिलेबस में है जैसे यूका, यूका के प्लांट में क्या होता है, यूका का प्लांट मोथ से पोलिनेट होता है और मोथ प्लांट यूका और मोथ दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड हैं। मोथ के जो लाइफ साइकिल है वो यूका के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती और यूका मोथ के बिना पोलिनेट नहीं हो सकता, तो इसी वजह से ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं। तो यूका का जो प्लांट है यहाँ पर ये मोथ से जैसे पोलिनेट होता है तो मोथ इसमें क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं बहुत अंदर तक जैसे टॉल होते हैं बहुत गहराई तक होते हैं तो मोथ यहाँ पर इसमें फ्लावर के अंदर एग डिपॉजिट कर देता है और वहाँ से जो है पोलन लेके चला जाता है। और यहाँ पर जब तक उसके लार्वा का डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक मोथ के जो एग है वहीं पर उसका डेवलपमेंट होता है और फिर वहाँ से लार्वा रिलीज हो जाते हैं। इसके अलावा और भी अदर एजेंसीज हैं पोलिनेशन की, जैसे बाय बर्ड, कुछ बर्ड्स हैं जैसे सन बर्ड्स हैं, ह्यूमिंग बर्ड है, पैरट है, क्रो है, मैना है, बुलबुल है, ये सभी क्या हैं कुछ जो फ्लावर्स में पोलिनेशन करती हैं। बैट भी रात के समय जो प्लांट होते हैं उनमें पोलिनेशन का काम करती है, फॉर एग्जांपल कदम ट्री। इसके अलावा जो लार्ज एनिमल्स हैं जैसे लेम्यूस हैं जिन्हें जो प्राइवेट होते हैं, और जेको लिजर्ड है, गार्डन लिजर्ड है विच आर रेप्टाइल्स, तो और कुछ एर्बोरियल रोडेंट्स यानी कि जो पेड़ पे रहने वाले रोडेंट्स हैं वो भी क्या करते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट ऑफ पोलिनेशन, ये पोलिनेशन के बारे में जितना भी था ये सारा था। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है कि प्लांट जो है ज़्यादातर प्लांट के अंदर ये जो जितने प्लांट होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है विच हैज़ मेल एंड फीमेल पार्ट, लेकिन जो प्लांट होता है वो सेल्फ पोलिनेशन को कभी भी फॉलो नहीं करता, लेकिन वो ज़्यादातर जो प्रेफरेंस देता है वो क्रॉस पोलिनेशन को देता है। तो इसके लिए उसके पास बहुत सारे डिवाइसेस होती हैं, वो बहुत सारे मेथड यूज़ करता है ताकि वो सेल्फ पोलिनेशन को रोक सके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, व्हाट इज दिस, द डिवाइसेस टू कंट्रोल सेल्फ पोलिनेशन।
जो प्लांट्स होते हैं दे प्रोड्यूस मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स. हर्मेफ्रोडाइट दैट मीन्स बाईसेक्सुअल फ्लावर. दैट मीन्स दे हैव बोथ टाइप ऑफ पार्ट, मेल एज वेल एज फीमेल. तो अब अगर प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट होगा तो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन की प्रेफरेंस ज़्यादा होगी और प्लांट जो है सेल्फ पोलिनेशन को प्रेफर नहीं करता है. क्यों? क्योंकि अगर लगातार सेल्फ पोलिनेशन होता है तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन का खतरा रहता है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन आप प्रीवियस क्लासेस आई थिंक 9th में भी आप पढ़ चुके हो. तो जिसमें क्या होता है, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में जितने हमारे कैरेक्टर्स हैं सेल्फ पोलिनेशन लगातार होने की वजह से, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स ही बार बार जो है जनरेशन में जाते रहते हैं और जिसकी वजह से जो रिसेसिव यानी कि जो कैरेक्टर्स सही नहीं है प्लांट के, अनयूजफुल कैरेक्टर्स भी जो है वो आगे प्रोजेनी में जाते रहते हैं. तो इस वजह से ये सेल्फ पोलिनेशन सही नहीं होता है ज़्यादा. तो और दूसरी बात, जो हमारी डाइवर्सिटी जिसको हम इवोल्यूशन के फॉर्म में पढ़ते हैं, जो अर्थ पे डाइवर्सिटी की जो नींव है दैट इज वेरिएशन विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट, तो ये वेरिएशन के चांसेस जो हैं अगर सेल्फ पोलिनेशन होता रहेगा तो नहीं होंगे. और सेल्फ पोलिनेशन के ज़्यादा होने से जो प्लांट्स हैं उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा. तो प्लांट जो है इसी रीजंस की वजह से सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करते हैं. सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए ये क्या क्या तरीके अपनाते हैं, दिस इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. जैसे पहला है डाइकोगैमी. डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है कि इकट्ठे एक ही जैसे जो प्लांट के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, दैट इज मेल एंथर और फीमेल होता है स्टिग्मा. तो एंथर और स्टिग्मा, उसमें क्या होता है कुछ प्लांट्स क्या करते हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं. अगर कई बार तो क्या होता है एंथर में, एंथर पहले जो है मैच्योर हो जाएगा और उसमें पोलिनेशन हो जाएगा, तब स्टिग्मा जो है वो तैयार होंगे पोलिनेशन के लिए. तो इस तरह से ये एक दूसरे से बच जाते हैं. तो इस तरह से ये दो तरह की होती है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी. प्रोटेंड्री का मतलब होता है जिन फ्लावर्स में पिस्टल से पहले एंथर्स मैच्योर होते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्रोटेंड्री. और कुछ फ्लावर में एंथर बाद में मैच्योर होते हैं, पिस्टल पहले मैच्योर हो जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी. इसके अलावा प्लांट दूसरा एक तरीका अपनाते हैं जिसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइली. हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या है, हमें पता है फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी है और एंथर भी है. अगर वो दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर भी होते हैं तो उस वक्त फ्लावर क्या पोजीशन अपनाता है, जो स्टिग्मा और जो एंथर है इनकी हाइट डिफरेंट होती है प्लांट के अंदर और जिसकी वजह से ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आने पाते, तो इसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइली. एक तीसरा तरीका है जिसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है और इसमें क्या होता है, जब पोलन स्टिग्मा पर लैंड करता है तो पोलन कुछ जो स्टिग्मा है उसके अंदर ये एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने पोलन को जो है रिकॉग्नाइज करती है, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. तो पिस्टिल क्या करती है, यानी कि जो स्टिग्मा है वो अगर कुछ में क्या होता है कि जो सेल्फ यानी कि जो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के यानी सेम प्लांट के अगर पोलन उसके ऊपर लैंड करते हैं तो प्लांट जो है यानी जो स्टिग्मा है वो उसकी ग्रोथ को, वो उसके आगे पोलन के डेवलपमेंट को रोक देती है. तो जो पोलन है अगर वो अपनी ही उसी प्लांट से आया है, यानी कि जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट कर रहा है उस पोलन को रोक देती है. अगर वो डिफरेंट जेनरा से आया है तो उसको भी उस पिस्टल जो है रोक देती है, लेकिन सिर्फ उसी पोलन को आगे डेवलपमेंट के लिए फॉलो करती है जिसको वो कॉम्पेटाइबल समझती है, यानी कि अगर वो सेम स्पीसीज का है लेकिन डिफरेंट प्लांट से आया है. तो अगर ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए ये दो तरीके से होता है, या तो जब पोलन को जब लैंड